press the bell icon on the YouTube app and never. उसके परिवार को के साथ कुछ बुरा नहीं होता है. आप सोचिए, ये है हिंदू, ये है हिंदू. राजी जी, फिर आपकी बातों से तो फिर ये साबित हो जाता है ना कि पाकिस्तान का हिंदू हो, बांग्लादेश का हिंदू हो, या फिर हिंदुस्तान के अंदर के खुद का हिंदू हो, हिंदू तो फिर कहीं सेव नहीं है. अगर इंडिया में भी हिंदुओं पे अटैक्स हो रहे हैं तो फिर ये तो बात एक बहुत ही वेर्ड है कि हिंदुस्तान 100 करोड़ हिंदुओं का देश है, लेकिन आज अगर हिंदू, जैसे आप कह रहे हैं कि हिंदू लड़कियों का रेप होता है, हिंदू लड़कियों का फोर्सफुल कन्वर्जन होता है, जहां पर आपने कहा कि इनको हिंदुओं को सेपरेट कर दिया जाए, तो ये तो चले आपका एक पोजेसिवनेस है हिंदू धर्म को लेके, आपके अटैचमेंट भी है, लेकिन चीजें उस तरह से प्रैक्टिकल वे में तो नहीं होंगी, लेकिन हाँ कानूनी तौर पर तो सेव हो सकती है ये चीजें. नहीं नहीं नहीं, मैं हिंद देश और हिंदुस्तान के बारे में मैं आपको इमोशनली नहीं बोल रही हूँ. मैं आपसे बहुत सीरियस बात कर रही हूँ. 1,30,00,000 बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक कमेटी बैठ गई है. आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने पीओके को लेने के लिए वहां पर इलेक्शन कराने के लिए बजाफते वहां की सीटें अनाउंस कर दी है कि हम 24 सीटें देंगे. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पे. आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे. तो आज के लेटेस्ट इम्पोर्टेंट और दमदार वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार और यूट्यूबर शैला खान को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया लाई खान जी, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं. और ये दोनों बात करेंगी बांग्लादेश में कैसे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है और उनको कैसे टारगेट किया जा रहा है. तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी और ये वीडियो का सेकेंड पार्ट है. फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैं आपके लिए चैनल पर डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था थ्रू योर मैसेजेस एंड कमेंट्स. तो इसे भी अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें. तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे. जय हिंद, जय भारत. ये पाकिस्तान है और ये हिंदुस्तान है, और बांग्लादेश में ये बांग्लादेश है और ये हिंद देश है, और वहां पर मिलिट्री की पूरी फौज खड़ी रहे कि यहाँ का एक भी मुसलमान हिंद देश में नहीं जाएगा और पाकिस्तान का एक भी मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं जाएगा. अब हिंदुओं को आवाज ऊंची करनी पड़ेगी. अब ऐसे ऐसे जिहादी मुसलमान इस्लामिक देश में जो हिंदू रहते हैं उनको अपने हक के लिए अपने आवाज को ऊंची करना पड़ेगा, अपनी शिक्षा को दिखाना पड़ेगा, और श्री राम जी को याद करना पड़ेगा, और श्री कृष्ण जी को याद करना पड़ेगा. श्री कृष्ण वो है जो बांसुरी वाले हम उनको याद करते हैं कि बांसुरी वाले हैं, लेकिन जब उनको भी उठाना पड़ा था भाला तो उन्होंने भी उठाया. भगवान राम जो तपस्या के लिए चले गए, वनवास पे चले गए 14 वर्ष के लिए, लेकिन जब रावण को मारना था तो मारा था भगवान राम ने. तो अब वो वक्त आया है कि श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय से जो सीखा है, जो समझा है, जो शक्ति लिया है, वो सब अब बांग्लादेश के हिंदुओं को भी दिखाना पड़ेगा और पाकिस्तान के हिंदुओं को भी दिखाना पड़ेगा. इसके अलावा शैला मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हमारा होमवर्क रेडी है. हम इंटरनेशनल कोर्ट में और यूएन में यही बात करेंगे कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान बनाइए और बांग्लादेश में हिंद देश बनाइए. हमने एक छोटा सा ग्राफ भी बनाया है जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया है कि इस तरीके से यूएन को अब फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि जो चीजें हैं वो तो सामने हैं, बिल्कुल सामने हैं. आज हमारे भारत के अंदर माइनॉरिटीज को हमने इतनी फैसिलिटी दी है, फिर भी अरशद मदनी जो है वो गजवाए हिंद का नारा लगा देता है और अरेस्ट भी नहीं होता है. समाजवादी पार्टी का यूनुस 12 साल की पिछड़े वर्ग की एक हिंदू बच्ची का बलात्कार करता है और उसकी माँ को धमकी देता है कि अगर तुमने पुलिस को कंप्लेन किया तो बोटी बोटी कर देंगे. 12 साल की बच्ची को गर्भवती कर देता है और फिर भी उसके परिवार को के साथ कुछ बुरा नहीं होता है. आप सोचिए, ये है हिंदू, ये है हिंदू. राजी जी, फिर आपकी बातों से तो फिर ये साबित हो जाता है ना कि पाकिस्तान का हिंदू हो, बांग्लादेश का हिंदू हो, या फिर हिंदुस्तान के अंदर के खुद का हिंदू हो, हिंदू तो फिर कहीं सेव नहीं है. अगर इंडिया में भी हिंदुओं पे अटैक्स हो रहे हैं तो फिर ये तो बात एक बहुत ही वेर्ड है कि हिंदुस्तान 100 करोड़ हिंदुओं का देश है, लेकिन आज अगर हिंदू, जैसे आप कह रहे हैं कि हिंदू लड़कियों का रेप होता है,
हिंदू लड़कियों का फोर्सफुल कन्वर्जन होता है, जहां पर आपने कहा कि इनको हिंदुओं को सेपरेट कर दिया जाए, तो ये तो चले आपका एक पोजेसिवनेस है हिंदू धर्म को लेके, आपके अटैचमेंट भी है, लेकिन चीजें उस तरह से प्रैक्टिकल वे में तो नहीं होंगी, लेकिन हाँ कानूनी तौर पर तो सेव हो सकती है ये चीजें। नहीं, 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 मैं हिंद देश और हिंदुस्तान के बारे में मैं आपको इमोशनली नहीं बोल रही हूँ, मैं आपसे बहुत सीरियस बात कर रही हूँ। 1,30,00,000 बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक कमेटी बैठ गई है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने पीओके को लेने के लिए वहां पर इलेक्शन कराने के लिए बजाफते वहां की सीटें अनाउंस कर दी है कि हम 24 सीटें देंगे। आपको याद नहीं है? आपको क्या लग रहा है कि अरब के बैठे हुए हिंदू अब कुछ सोच नहीं रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि इंडोनेशिया के बैठे हिंदू अब कुछ सोच नहीं रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि बांग्लादेश के हिंदू युवा ऐसे ही क्या रोड पर उतर गए और जय श्री राम का नारा लगाने लगे? आपको क्या लग रहा है कि यूएन में बात ऐसे ही पहुंच गई क्या और यूएन को ऐसे ही अपनी आवाज ऊंची करनी पड़ी क्या कि मोहम्मद यूनुस सुधर जाओ नहीं तो कुछ हो सकता है? हम पूरी तैयारी से हैं और इस पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान देशों में हिंदुओं के साथ अगर कुछ भी होगा, अब इस बार हम भी हिस्सा लेंगे। भारत में रहने वाला मुसलमान जब पाकिस्तान ले सकता है और पाकिस्तान बनवाने के लिए भारत भारत की भूमि का टुकड़ा करने के लिए मुसलमान गद्दारी कर सकता है, तो हम तो गद्दारी नहीं, हम तो अपना हक मांगने के लिए अपने हिंदू भाई बहनों को बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे भारत में मुसलमान बेटियों का बलात्कार नहीं होता है, कोई हिंदू नहीं करता है, लेकिन हिंदू बेटियों का रोज बलात्कार होता है। और मैं आपको कल सुबह की बात बता रही हूँ कि पश्चिम बंगाल के आर्जिकल हॉस्पिटल में एक इंटर्नी, एक डॉक्टर इंटर्नी का रेप किया है और सारे के सारे मुसलमानों ने किया, जिसमें कुछ हिंदू हैं। अब आप बताइए कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? मतलब लड़की जहां हिंदू देखा नहीं कि या तो लव जिहाद कर लिया, या तो बलात्कार कर लिया, या तो धर्म परिवर्तन करा दिया, या तो काट करके फ्रिज में रख दिया, या तो काट करके बक्से में रख दिया, या तो नदी में फेंक दिया, या तो गटर में फेंक दिया, या तो ट्रैफिक ऑर्गन ट्रैफिकिंग कर लिया, या तो फिर इंसाफ सभा लगा दिया। मतलब आप हिंदू बेटियों को क्या समझ करके बैठ गए हैं? आप जब चाहेंगे उसका सलवार खोल देंगे, आप जब चाहेंगे उसकी बोटियां कर देंगे। मुझे लगता है कि हिंदू मर्दों को अब खून में जोश लाना चाहिए, और सिर्फ भारत के हिंदू मर्दों को नहीं, बांग्लादेश में बैठे हिंदू युवाओं को भी खून में जोश लाने की जरूरत है, पाकिस्तान में बैठे हिंदू युवाओं को भी अब खून में जोश लाने की जरूरत है। और ये मुसलमान अपने इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर और जिहाद के नाम पर एक जमाने से, बरसों अरसों से हिंदू बेटियों के सलवार को खोलता आया है और अपनी मटर गश्ती और अपनी अय्याशी को पूरा करता आया है, और हमेशा इस्लाम का जस्टिफिकेशन का ठप्पा लगाने की कोशिश करता है। इसको खत्म करने के लिए इस देश में, इस दुनिया में जितने भी हिंदू हैं उनको यूनाइट होना पड़ेगा, उनको एक तरफ आना पड़ेगा। और कहीं पर भी एक छोटी सी भी घटना अगर हिंदू के खिलाफ कोई मुसलमान करता है तो उसी वक्त अपने कानूनी अधिकार का बिल्कुल से हर हाल में मदद लेना चाहिए और उस मुसलमान को सजाए मौत की सजा पर खड़ा करना चाहिए। बिल्कुल नाजर जी, मैं इस चीज से एग्री करूंगी कि अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए और हिंदुओं को यूनाइट होना चाहिए, क्योंकि कहीं पे भी कुछ भी अगर ऐसे इस्लामी कंट्रीज में होता है तो एक बिटर रियलिटी है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो आके मुद्दा हिंदुओं पर ही खत्म पता नहीं क्यों होता है, और उनका इस तमाम मामला से लेना देना नहीं, अगर पाकिस्तान का हिंदू है, बांग्लादेश का हिंदू है, या किसी और इस्लामिक कंट्री का हिंदू है, क्योंकि हम रोड शो करते हैं, हमें पता है कि हिंदू सियासत से भी दूर रहता है और मजहबी मुद्दे से भी दूर रहता है, और वो कहते हैं कि हमारा और मीडिया से तो बहुत ही दूर रहता है कि हम माइनॉरिटीज हैं, हम तादाद में कम है, तो ऐसे कोई ब्लास्फेमी के इल्जाम ना लग जाए या फिर हम किसी रिस्क में ना आ जाए। लेकिन जहां पर बांग्लादेश की बात आ रही है तो वो कहीं ना कहीं पे बांग्लादेश के मुसलमानों के कुछ ग्रजेस हैं इंडिया को लेके, जिसकी वजह से वो बांग्लादेशी हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, और मोहम्मद यूनुस ने भी वार्निंग दी थी कि अगर बांग्लादेश के अंदर हालात कंट्रोल नहीं होते तो इंडिया में भी बहुत बड़ा रिस्क आएगा। सो ये चीजें जैसे बड़ी मैं आपको इंटरप्ट करूंगी, हाँ क्या रिस्क आएगा? जैसे वो कह रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अनरेस्ट हो सकता है, वेस्ट बंगाल में हो सकता है, म्यांमार में जो है अनरेस्ट हो सकता है, अगर हमारे हालात जो है कंट्रोल में ना रहे, काबू से बाहर हो गए,
तो वो कहीं ना कहीं पे थ्रेट भी कर रहे हैं कि आपके चैनल के माध्यम से, मैं आपके चैनल के माध्यम से मोहम्मद यूनुस को एक बात बता दूं कि अभी भी भारत की सरकार शराफत में है और लॉ एंड ऑर्डर को का उल्लंघन नहीं करना चाहती है। अदरवाइज इस पूरी दुनिया के में हम डिफेंस में चौथे पोजीशन पर हैं और एक आवाज, अगर भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अगर इजराइल को दे दिया, रशिया को दे दिया, सऊदी अरब को दे दिया, कतर को दे दिया और अलग अलग देशों को दे दिया, तो ये सारे देश एक साथ एक ही आवाज में बांग्लादेश के अंदर घुस जाएंगे और फिर हम उसको हिंद देश तो क्या, हम उसको पूरा का पूरा ही हिंद देश बना देंगे। वो बांग्लादेश पर बचेगा ही नहीं, फिर एक नया मैप आएगा हिंद देश का। तो अगर कोई इंसान आपसे मोहब्बत से बात कर रहा है, आपसे तरीके से बात कर रहा है और आपको कानूनी तरीका बता रहा है कि इस तरीके से आप सुधर जाओ, तो अगर आप उल्टा जवाब दोगे, जो मुसलमानों के अंदर है उल्टा जवाब देने का, ये मतलब बड़ी उल्टी पैदाइश है, ये कुत्ते की दुम है, टेढ़े ही रहेंगे, हम सीधा कभी नहीं होएंगे। तो ये जो उल्टा जवाब देने की फितरत मुसलमान पुरुषों में होती है ना, और कुछ जिहादन भी है, अभी बांग्लादेश के हमने जिहादी एक्टिविटीज में देखा ना, निकाब वाली निकाब के अंदर से बंदूक निकाल रही है, मैंने ट्वीट भी किया है, बहुत सारे ट्वीट मैंने शेयर किए हैं कि निकाब के अंदर से बड़ा बड़ा बंदूक निकाल रही है, तमंचा निकाल रही है, राइफल निकाल रही है, हिजाब के अंदर से। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि ये हिजाबन नहीं है, ये जिहादन है, इनका तो मैं नाम ही मैंने रखा है, ये हिजाबन जिहादन है। तो ये जो टेढ़ा भाषा है ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 10 साल में कम से कम बांग्लादेश पाकिस्तान के लिए तो बहुत भारी पड़ने वाला है भैया। ये टेढ़ा भाषण जो है और ये टेढ़ी जुबान जो है, ये भारत बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुसलमान संभाल लें अपनी जुबान को और संभल जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि डिफेंस की ताकत और आदरणीय प्रधानमंत्री अपनी ताकत और भारत देश का हिंदू हम सब मिल करके समझा दें कि भैया हमें भी टेढ़ा बोलना आता है और फिर हम बोलते नहीं है, फिर हम करके दिखाते हैं। जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा नाजिया जी आपसे बात करके, और अवेयरनेस जितनी भी हो सकती है हम अपने चैनल के थ्रू आप जैसे ऑनरेबल गेस्ट को बुला के अपने व्यूवर्स तक पहुंचाते हैं। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। नाजिया जी की राय आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, दुआ में याद रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच नाजिया जी, थैंक यू, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव, भारत माता की जय। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जहाँ पे आपने देखा कैसे नाजिया खान जी ने भारत में रहते हुए बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए अपनी आवाज को बुलंद किया और अब वक्त आ गया कि हम सब हिंदुओं को मिलकर जहाँ पे भी हम दुनिया भर में रहते हैं एक साथ यूनाइट होकर बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए आवाज उठानी चाहिए। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, जय हिंद, जय भारत।